यदि समाज का प्रत्येक सदस्य विभिन्न कार्यों के लिए कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है, उनमें से प्रत्येक का सम्मान करके उन्हें आंतरिक प्रोत्साहन मिलने के लिए उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उनके कठिन परिश्रम करने की क्षमता स्वचालित रूप से बनाई जाएगी, ऐसा वक्तव्य वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि देश में एक सभ्य आदर्श नागरिक बनाने के लिए युवाओं को भी बिना किसी डर से आगे आना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए काम करने की वसा को स्वीकार करना चाहिए। नगर परिषद बागीचा में दत्तवाड़ी में शीला देवी पब्लिक स्कूल के सामने निर्भय बेटी सुरक्षा अभियान समिति, स्थानीय संगठना और कस्बे अस्पताल के सहयोग से कराटे एसोसिएशन वाड़ी द्वारा आयोजित पत्रकारों, अस्पताल के नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। नागपुर तालुका पत्रकार संगठना के पदाधिकारी सुरेश फलके, अरुण करारे, अजय तायवाड़े, सौरभ पाटिल, दिलीप ठाकरे, गजेंद्र डोंगरे, ससाधान चौरबकार, जितेंद्र उके, नटवर अबोटी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक विनोद गुप्ता ने उन्हें प्रमाण पत्र और मिठाई देकर सम्मानित किया। पूर्व उपनगराध्यक्ष नरेश सेठे, पूर्व नगर सेवक कल्पना सागदेव, राकेश मिश्रा, डॉक्टर अश्विन गजबे, अखिलेश सिंह, आयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गुरव, सेंसाई विनोद गुप्ता, अनवर अली, लेखराज किंदली, मौसमी गुप्ता, मयूरी राउत, लोसना सिंघो, सविता शेरिकर, आशा अस्पताल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टरों, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना विनोद गुप्ता ने की, जिसका संचालन अजय तायवाड़े ने किया और आभार अनवर अली निभाना। सुरक्षा समिति वाड़ी चौथे ने या ठिकाणी ज्या जागतिक महामारी कोरोनामध्ये ज्या लोकांनी काम केलं, मग तो पोलीस विभाग असेल, आरोग्य विभाग असेल किंवा स्थानीय लोक असेल, या सर्वांचं कुठंतरी त्यांना प्रोत्साहन करता किंवा त्यांचं अभिनंदन करण्याकरिता, म्हणून या समितीच्या मार्फत त्यांचं या ठिकाणी त्यांना अभिनंदन करण्यात आलं। तसेच या समितीच्या माध्यमातून या महिला जागृती किंवा महिलांचं सशक्तीकरण व्हावं याकरिता एक कराट्याच्या माध्यमातून आत्मसुरक्षाचे धडेसुद्धा या ठिकाणी दिलं जातं, त्याचंसुद्धा पात्याची या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने करण्यात आलं। मी त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना भविष्य काळासाठी शुभेच्छा देतो। आज या ठिकाणी वाडीमध्ये निर्भय बेटी सुरक्षा अभियान समिती यांच्यामार्फत जो कोरोना योद्ध्याचा सत्कार कार्यक्रम झालेला आहे, तर याच्यामध्ये कोरोना काळात ज्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे त्यांचा सन्मान केलेला आहे, त्यांना त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी त्यांनी जे प्रशिक्षण चालवलेलं आहे कराट्याचं प्रशिक्षण, तर ते सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट चालू आहे। त्याचे काही डेमॉन्स्ट्रेशन आम्ही बघितले, तर याच्यामुळे निश्चितच त्यांना सेल्फ डिफेन्ससाठी फायदा होणार आहे। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।